किसान उत्पीड़न, बेरोजगारी, महंगाई आदि समस्याओं के खिलाफ हरियाणा की जनता का आशीर्वाद लेकर तथा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा की राजनीति, दिशा व दशा सब कुछ बदल कर रख देने का बीड़ा उठाया है हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने। 52,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हरियाणा प्रदेश को एक भूपिंदर सिंह हुड्डा ने डुबो दिया, आप जानते हैं। हरियाणा में पैदा होने वाला हर बच्चा, आप इस बात को जानते हैं कि 30,000 रुपए का कर्जा लेके अपने कंधे पर पैदा होगा, ऐसा हालात हमारे हरियाणा प्रदेश में बना के रख दिए। कुलदीप बिश्नोई की दूरदर्शिता एवं हरियाणा की जनता को गुमराह करने वाले सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ उनके तीखे तेवरों ने जता दिया है कि बस अब और नहीं। पहला मुद्दा हमने रखा है समान बंटवारा रोजगार का, समान बंटवारा विकास का होना चाहिए हरियाणा में, जो कि पिछले 6 साल से नहीं हो रहा है। दूसरा मुद्दा हमने रखा है कि जो किसानों की जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण की जाती है, एक्वायर की जाती है, वो जबरदस्ती एक्वायर नहीं होना चाहिए, और जो जमीनें पहले एक्वायर कर ली हैं उन जमीनों को बाजार का भाव मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा SYL के पानी का है हमारा। आज हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में SYL का पानी का मामला पेंडिंग नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला कर रखा है, तो क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा पानी लेके आता। अब होगी सिर्फ स्वच्छ एवं जनहित की राजनीति, और इसकी पहल करते हुए उन्होंने जनता के सामने रखे हैं अपने अहम मुद्दे। समान बंटवारा रोजगार का, समान बंटवारा विकास का, किसानों की जमीन पर जबरदस्ती अधिग्रहण न किया जाए, और जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण के अंतर्गत आ चुकी है उन्हें उसका बाजार मूल्य आधार पर मुआवजा मिले, हरियाणा को मिले SYL का पानी, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए जरूरी योजनाएं। अपनी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई के नाम का दीपक हरियाणा में जगमगाएगा या नहीं, इसका फैसला तो जनता ही करेगी, लेकिन लोगों की समस्याओं एवं विकास के प्रति अपने इस रवैये से उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी है कि अब हरियाणा में होगी सिर्फ स्वच्छ विकासोन्मुखी एवं जनहित की राजनीति।